गाजियाबाद देश भर में आज चल रहे किसानों के देशव्यापी आंदोलन में कृषि अध्यादेश के खिलाफ मोदी नगर और हापुर चुंगी पर चक्का जाम किया। बाजना कट पर किसानों ने शेरगढ़ गोमत मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर, जिसके बाद सभी ने कहा कि सरकार ने जो अध्यादेश लागू किया है उसे वापस लिया जाए। साथ ही में ये भी कहा कि अगर ये वापस नहीं लिया गया तो हम अपने आंदोलन को और तेज करके अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। मोबाइल नंबर तो होंगे आपके पास, आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है हापुर चुंगी पर, किस लिए चक्का जाम किया है, क्या मांगे हैं, किस विरोध में किया? हमारा जो है केंद्र सरकार के खिलाफ ये जाम का है, पूरे देश में है, और केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं कृषि और किसान से संबंधित, वो केवल और केवल पूंजीपतियों के हित साधने के लिए। SMP जो है वो 72 से लागू है, आज तक जो है कोई भी हमारी फसल SMP रेट पर नहीं खरीदी गई, तो आगे हम कैसे भरोसा कर लें कि आगे हमारी रेट जो फसल जो है वो SMP रेट पर आप खरीदेंगे। तो हमें क्लियर कट जो है ये बताओ कि हम जो है अपनी फसल जब SMP आप तय कर रहे हो क्यों नहीं खरीद रहे हमारी फसल? ये तो आर पार की है, जब तक हमारा हाईकमान नहीं कहेगा जब तक चक्का जाम रहेगा, पूरे देश में है ये, यही नहीं है पंजाब हरियाणा उत्तराखंड बिहार राजस्थान सब जगह यह। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन